अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कॉनेंस किचन। कॉनेंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं मोती चूर के लड्डू। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। एक कप बेसन लिया है मैंने, एक कप चीनी है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर डाला है, फूड कलर, थोड़े से चारों मगज है मेरे पास, खरबूजे के बीज भी, मेलन सीड्स भी कहते हैं इसको, और पानी जाएगा। अब इसमें भी मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग डाला था, तकरीबन एक चुटकी। और फ्राइंग के लिए घी भी जाएगा, क्योंकि मिठाई जितनी बनती है वो घी में बनती है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। इसका मैंने एक बैटर सा तैयार करना है। ये देखिए, ना इतना पतला होना चाहिए और ना इतना थिक होना चाहिए। ये देखेंगे इस तरह का है ये। अभी हमें थोड़ा सा और पानी चाहिए। मैंने इसमें 1/4 कप पानी और ऐड किया है। टोटल इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरीके का मुझे चाहिए था। इसको साइड कर देते हैं। दूसरी साइड पे मैं इसमें पानी डाल के, 1 कप पानी डाल के, 1/2 कप चीनी है, 1 कप पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख दूंगी। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं पानी डाल दिया और साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। मैं इसमें इलायची भी डाल दूंगी, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है। अगर आप ना भी डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे लड्डू बनाने के लिए इस तरह की एक छन्नी चाहिए, और मेरे पास ये सेवैयां वाला था जिसके साथ हम निमको वगैरह भी बनाते हैं, और इसको हम जब फलूदे वाली सेवियां होती हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए ये इसका हैंडल होता है। ये देखे, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए ताकि हमारी बूंदी जो है वो बिल्कुल गोल गोल निकले। आप इसके ना हो तो आप इसकी जगह चाय वाली छन्नी भी इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी देखें, घी हमारा गर्म हो गया है, मैंने घी ले लिया है। मैंने खुद ये कम फैलाव वाला पैन लिया है, आप भी कम फैलाव वाला लीजिएगा, इससे जरा बूंदी जो है वो इजी निकलती है। इस तरीके के साथ अब मैं इसमें डालती जाऊंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाह, और नीचे से वह देखे हमारी बूंदी बनती जाएगी। ये देखिए, आपका ऑयल जो है, घी जो है वो गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ये आराम आराम से इसी तरीके से निकलती जाएगी। और मैं जब इसको इस तरीके से करूंगी तो ये आती जाएगी। ये देखिए, ड्रॉप्स गिर रहे हैं, वो देखिए बाकी साइड पे आते जा रहे हैं। और ये देखिए, अंदर से बिल्कुल साफ है। ये देखिए, मैं इसको जरा सा थोड़ा सा मिक्स करूंगी। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, और जैसे ही हल्के सा क्रिस्प हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूंगी। ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी सी बूंदी बन रही है। ये देखिए, ये होगी और आप इसकी लुक देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना क्रिस्प है, बहुत गर्म है, इसलिए इसको निकाल लूंगी। ये देखें कि सारी मैंने बूंदी निकाल ली है, अब मैं इसको ठंडा कर लूंगी। ये देखें, मैंने एक पैन में बूंदी डाल दी थी, सारी ठंडी हो चुकी थी। अब मेरे पास जो शीरा हमने बनाया था चीनी का, अब इसमें वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, मैंने सब शीरा इसमें डाल दिए। अब हमने इसको पकाते जाना है, इतना पकाना है कि दाना जो है हमारा वो बिल्कुल चावलों की तरह गल जाए। ये देखिए, ये काफी हद तक जो है पानी इसका भी ड्राई भी हो गया, पर दाना अभी जो है वो अच्छे से गला नहीं है। हमें बिल्कुल दाना जो है चावलों की तरह, जैसे हम लोग चावल पकाते हैं और दाने को चेक करते हैं, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि दाना भी हुआ है या नहीं। अभी मैंने चेक किया था तो दाना अभी नहीं हुआ था, थोड़ा सा सख्त था। इसके लिए हमें दाना जो है वो बिल्कुल नरम चाहिए, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और दाना भी गल जाए। ये देखिए, इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है,
वो बाकी का दाना भी जो है ये सारा पानी पी जाएगा। अब फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और इसको अच्छे से ठंडा कर लूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी और इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से खरबूजे के बीज ऐड कर दूंगी, इससे खूबसूरती बहुत अच्छी आती है। माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें, कितना प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छे बने हैं ये। मैंने इसको टेस्ट किया था थोड़ा सा, बहुत मजे के बने। अब मैं इसको अच्छे से नीट कर लूँ। अब मैं इसको इस तरीके के साथ पकड़ती जाऊंगी और लड्डुओं की तरह शेप देती जाऊंगी। ये देखिए, अगर आपके ये थोड़े सॉफ्ट भी लगें तो कोई मसला नहीं है, कि जैसे ठंडे होंगे तो ये बहुत अच्छे से हार्ड हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बिल्कुल थोड़े से होंगे। ये देखें इसी तरीके के साथ, ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है, देखिए कितना अच्छा बना है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखें, बना लिए मैंने सबको और डिश आउट कर दी है, और आप इनकी लुक देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हसीन बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।